नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हुए यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 के अंदर। तो आज जो हम सेक्टर 18 में आए हैं वो इसलिए कि हमारे पास काफ़ी कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि आप जो पॉकेट टू पॉकेट रिव्यू कर रहे हो सभी पॉकेट का, तो प्लीज़ जो हमारी पॉकेट्स हैं 1A और 1B इनका भी एक बार रिव्यू कर दीजिए मौके पर जाके। तो आज हम उन दोनों पॉकेट का रिव्यू करने आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि जो अभी हम यहाँ खड़े हैं ये एक 18 मीटर का रोड है और उसके साथ लगता हुआ एक आपका नीलखा विलेज है जो सामने आप देख पा रहे होंगे, नीलखा विलेज है। और अगर कोई भी पर्सन या कोई भी अलोटी अगर वो आना चाहता है कि 7A और 7B पॉकेट में आना चाहता है तो उनके लिए जो कनेक्टिविटी रहेगी वो सीधा सेक्टर 18 के एंट्रेंस से भी आप आ सकते हैं। और चाहे तो आप इसके बगल में लगता हुआ अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि 1B पॉकेट है जिसका आपको पार्क दिख रहा होगा, और उसके साथ लगता हुआ सेक्टर जो है सेक्टर 17 है उसका 130 मीटर का रोड है, उससे भी आप इस पॉकेट में आ सकते हैं 1A और 1B पॉकेट के अंदर। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी ये पॉकेट है दोनों, इसमें मौके पे कितना काम हुआ है और कितना काम अभी पेंडिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने सीधे हाथ की तरफ अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि सेक्टर 18 पॉकेट 1A 225 से लेकर 212 प्लॉट नंबर यहाँ पे मार्केशन लगाई गई है, जो कि एरो हमें दिखा रहा है कि इस साइड के ये प्लॉट्स रहेंगे। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें कोने पे यहाँ 225 नंबर का प्लॉट कोने पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में नाली का काम दिख रहा है, सीवर का काम दिख रहा है हमें यहाँ पे। सीवर के साथ अगर आप देखेंगे तो अंदर भी मार्केशन कर दी गई है। 1A जो पॉकेट है इसके अंदर टोटल जो पार्क हैं वो 3 पार्क हैं, तीनों पार्क हमें यहाँ से मौके पे दिखाई दे रहे हैं। जूम करके अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे 3 पार्क हैं इसके अंदर और तीनों पार्क सामने फेस में हमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों पार्क जो कि डेवलप कर दिए गए हैं, उनकी बाउंड्री बना दी गई है। साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इसके साथ अगर लगता हुआ फैसिलिटी है, और फैसिलिटी में अभी कोई काम नहीं हुआ मगर उसका बोर्ड लगा दिया गया है कि ये जगह जो है वो रिजर्व करी गई है फैसिलिटी के लिए। तो जब हम यहाँ मौके पर आए हैं अगर आप देखेंगे कि जो पॉकेट है पॉकेट के अंदर के जो रोड हैं वो 12 मीटर के रोड हैं, तो 1A पॉकेट के अंदर ऑलमोस्ट सारे रोड हमें बने हुए दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें ग्रीनरी पौधों की तो उनका भी काम कर दिया गया है, और साथ में सीवर और नाली के भी सारे काम यहाँ पे कर दिए गए हैं। साथ में मार्केशन हमें हर प्लॉट की मार्केशन दिख रही है। जो यहाँ प्लॉट हैं वो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं जिनकी डायमेंशन 12x25 की दी गई है और सारे मौके पर लगे हुए प्लॉट्स हैं। अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ कमी दिख रही है हमें तो बस वो कमी दिख रही है हमें स्ट्रीट लाइट की। हमें कुछ पोल दिखाई दे रहे हैं पोल के ऊपर मगर कोई भी लाइट लगाई नहीं गई है और कुछ पोल अभी लगे नहीं हैं। तो मौके पे जब हम यहाँ पे आ रही 1A पॉकेट के अंदर, तो 1A पॉकेट के अंदर हमें सारा काम दिख रहा है मगर मौके पे हमें बस स्ट्रीट लाइट का काम नहीं दिखा। और अगर मैं बात करूँ आपको कि 1A जो पॉकेट है अगर उसके सीधे हाथ की तरफ आपको बताऊँ तो आप देखेंगे कि उस्मानपुर विलेज है, साथ में लगता हुआ विलेज है उस्मानपुर जिनके 7% के किसान कोटे के प्लॉट वहाँ पर लगे हुए हैं। और साथ में आपको जो मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये 1B पॉकेट है सेक्टर 18 का, जिसका कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे पार्क है और इसके अंदर लगभग 6 से 7 पार्क हैं और सभी पार्क यहाँ पे मौजूद हैं, सारे काम हो चुके हैं पार्कों का, स्ट्रीट लाइट भी हमें दिख रही है 1B पॉकेट के अंदर। तो अभी हम चलेंगे दोनों पॉकेट में और दोनों पॉकेट का रिव्यू करेंगे, अंदर जाके देखेंगे मौके पर कि कितना काम अभी पॉकेट में हुआ है अंदर और कितना काम अभी पेंडिंग है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में और चलेंगे 1A और 1B पॉकेट के अंदर और मौके पर जाके देखेंगे कि कौन कौन सा काम अंदर हुआ और कितना काम हुआ और कितना काम पेंडिंग है। तो दोनों पॉकेट में चल के दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं रिव्यू करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर हम चलेंगे पॉकेट में 1A पॉकेट में और अंदर चल के दिखाएंगे कि मौके पर कितना काम हुआ और कितना काम पेंडिंग है। तो आप देखिए मेरे सामने कि भाई कितना काम यहाँ पर मौके पर हो चुका है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम आगे देखेंगे तो हमें सेक्टर 18 पॉकेट 1A 173 से लेकर 160 और 174 सीधा अगर हम देखेंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे भी सारा काम हमें नाली का काम प्लॉट मार्केशन का काम सभी दिख रहा है यहाँ पे मौके पे। साथ में आगे अगर हम देखेंगे तो पार्क का काम भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसका पार्क का काम भी यहाँ कर दिया गया है। और पार्क के अगर हम देखेंगे आगे तो ये मार्केशन लगा दी गई है यहाँ पर और सारे प्लॉट मौके पर हमें दिखाई दे रहे हैं लगे हुए। और यहाँ पे तेज़ी से काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे कि ये पार्क का काम भी यहाँ हो चुका है और एक सेकंड जो पार्क है इसके अंदर पौधों का भी काम यहाँ कर दिया गया है। ये 1A पॉकेट है सेक्टर 18 की जिसके अंदर ये काम हो रहा है। तो हम आगे की तरफ चलेंगे और चल के आगे के देखेंगे कि आगे कितना काम अभी यहाँ पर पेंडिंग है और कितना काम हो चुका है।
जब मौके पे इस पॉकेट के अंदर जब सर्वे कर रहे हैं, जाके देख रहे हैं मौके पे, तो रोड का काम सारा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट भी के पोल खड़े कर दिए गए हैं, मगर पोल के ऊपर किया ये काम नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें तो इस पॉकेट के अंदर अभी तक सेक्टर 18 की जो पॉकेट थी उनमें सबसे ज़्यादा जो काम देखने को मिला वो अभी हमें 1A पॉकेट के अंदर देखने को मिला कि यहाँ पे रोड सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। ये जो भी रोड है सारे जो आप देख पा रहे होंगे सामने, ये 12 मीटर के रोड हैं और सामने पार्क का काम सारा कर दिए गए हैं। जब हम 1A पॉकेट के अंदर आए रिव्यू करने के लिए तो हमें सारे प्लॉट यहाँ पे देखने को मिले लगे हुए, सभी के टीवी खड़े करे हुए थे, नाली का काम तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे और सभी सीवर के काम भी यहाँ तेज़ी से चल रहा था। बस मौके पे जो हमें थोड़ा सा कमी लगी वो यही कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का काम पूरा नहीं हुआ है और अभी कोई भी लाइट का सोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला हमें। मगर पार्क का काम, रोड का काम, सीवर का काम, नाली का काम, सारा काम तेज़ी से यहाँ पे चलता हुआ मौके पे दिखाई दिया। अब चलेंगे हम 1B में और 1B का रिव्यू करेंगे, चल के मौके पे देखेंगे कि कितना काम 1B पॉकेट के अंदर हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे चल के। तो बने रहिए और चलते हैं 1B का रिव्यू करने के लिए। अभी आगे हम सेक्टर 18 के 1B के अंदर और यहाँ पे ये जो एरो लगा हुआ था 88 से लेके 76 थे और सारे प्लॉट यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। नाली का काम यहाँ पे भी हो चुका है, साथ में सीवर का काम भी हमें यहाँ मिल रहा है देखने को। और इसके साथ लगता हुआ जो गांव है वो नीलखा गांव है जो कि इसके साथ लगा हुआ है पॉकेट आपका 1B के साथ। सेक्टर 18 की जो पॉकेट है इसके साथ ये लगा हुआ है। अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो हमें पार्क का काम भी यहाँ दिख रहा है, पार्क की बाउंड्री कर दी गई है, साथ में गेट चढ़ा दिया है और साथ में जो ये पॉकेट है इसके अंदर जितने भी रोड मिलेंगे अंदर आपको देखने को वो 12 मीटर और 18 मीटर के रोड आपको देखने को मिलेंगे पॉकेट के अंदर। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा काम ये मौके पे लगे हुए हैं, सारे स्ट्रीट लाइट, नाली और सीवर का काम, पोल भी यहाँ पे खड़े कर दिए गए, ऑलमोस्ट पोल खड़े हुए हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कि पोल लगा दिए गए हैं प्राधिकरण की तरफ से। काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है आने वाले समय में आपको सारी चीज़ कंप्लीट डेवलपमेंट आने वाले दिनों में जल्दी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू करवाया 1A पॉकेट का और साथ में 1B पॉकेट का, तो हम आ चुके हैं 1B के अंदर और देखते हुए जब हम आए सारा इस पॉकेट के अंदर, जो ये 1B पॉकेट है 360 डिग्री पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे इस पॉकेट के अंदर 6 से 7 पार्क हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी पार्क डेवलप कर दिए गए हैं, सभी का बाउंड्री कर दी गई है, पौधों का काम कर दिया गया है। साथ में अगर हम यहाँ जब आए तो हमें देखने को मिला कि सारे टी और मार्केशन कर दिए गए हैं, एरो बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, जो नहीं लगे उनका काम चल रहा है तेज़ी से और वो काम भी आने वाले दिनों में आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। साथ में स्ट्रीट लाइट के सारे पोल खड़े हुए देखने को मिले, बस उन पर लाइट का और अभी कोई भी कनेक्टिविटी का अभी काम यहाँ नहीं हुआ है। और साथ में अगर आप देखें, मैं ये जो अभी प्लॉट पर खड़ा हूँ ये 219 नंबर का प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है जहाँ पर नाली का काम हो चुका है, साथ में सीवर का काम हो चुका है और लगता हुआ 12 मीटर का रोड और साथ में आपका पार्क जो बड़ा पार्क है और ये लास्ट पार्क रहेगा 1B पॉकेट का। तो आप देखेंगे इस पार्क का काम भी हो चुका है। और अगर मैं बात करूं अपने आपको कि इसके अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 12 मीटर का रोड और साथ में लगते हुए प्लॉट जो कि नाली है, नाली के साथ अगर आप देखेंगे प्लॉट से 88 नंबर 87 नंबर और उसके साथ लगता हुआ पार्क। अगर ये देखेंगे तो ये जो पॉकेट है 1B पॉकेट है और उसके साथ अगर आप देखेंगे कि आगे की तरफ अगर हम देखें तो 45 मीटर का वाइल्ड रोड देखने को मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, जिससे आप डायरेक्ट अगर आप चाहें सेक्टर 17 के 130 मीटर रोड को लेके 45 मीटर रोड से डाइवर्ट होकर आप इस पॉकेट के अंदर आ पाएंगे। और इसके साथ लगती हुई सेक्टर 18 की पॉकेट है जो कि 7 सीरीज़ की है, 7 सीरीज़ के अंदर 6 डिवीज़न है जिसमें 1A, B, C, D, E, F तक। तो हम बात करेंगे आने वाले दिनों में उन पॉकेट के ऊपर भी कि उन पॉकेट में कितना काम हुआ और कितना काम अभी पेंडिंग है। मगर जो आज हमने रिव्यू करा वो 1A और 1B पॉकेट का करा, तो हम जब मौके पर आए तो हमें काम यहाँ पे मोस्टली काम देखने को मिला। अगर हम अपना रिव्यू दें तो हम बोलेंगे यहाँ पे कम से कम 70% काम यहाँ मौके पे देखने को हमें मिला। तो आज की वीडियो जो थी वो इन्हीं पॉकेट के ऊपर थी दोनों के लिए और ये कंप्लीट हमने रिव्यू करा और जाके मौके पे देखा कि कितना काम यहाँ पे। चलिए तो आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं समाप्त और जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण से रिलेवेंट किसी भी सेक्टर की अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों।